जो दिल्ली से आ रहे। दरअसल दिल्ली से जानकारी मिल रही कि दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर टर्मिनल वन यानी टर्मिनल एक की एक छत गिर गई है दिल्ली एयरपोर्ट में। चार लोग इसमें घायल हुए हैं। मौके पर दमकल की तीन गाड़ियों को भी भेजा गया है। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल वन में एक दुर्घटना हुई है जहां पर एक छत गिरी है और इस छत के गिरने की वजह से करीब चार लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से मिल रही जानकारी, टर्मिनल वन जो कि ज्यादातर डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए यूज किया जाता है। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शंकर, क्या डिटेल मिल पा रही है, आखिर कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, जो हादसा है आज सुबह में 5:30 हुए हैं। 5:30 पर इस मामले की औपचारिक तौर पर पीसीआर कॉल करके जानकारी दी गई कि छत गिरी है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से अगर हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था, क्योंकि जो टर्मिनल को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है तो वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और अचानक वहां पर मलबा जो है नीचे गिरा है। हालांकि सबसे यहां पर एक मैं दिखाना चाहूंगा, तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक कार है, उस कार के ऊपर में जब मलबा गिरा है तो कार जो है कार के परखच्चे उड़ चुके हैं, कार जो है वो पूरा जमीन से दब चुका है। और उसमें शुक्र था कि उस कार के अंदर में कोई शख्स नहीं था, नहीं तो एक बड़ा और भी हादसा हो सकता था। हालांकि अभी तक चार लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसके साथ ही जिस तरह से मामले की अगर बात करें तो ये सुबह में 5 से 5:30 बजे के बीच में हुआ है, 5 से 5:30 बजे के जो वक्त होता है। हालांकि उस वक्त में ज्यादा लोग नहीं थे एयरपोर्ट पे, अगर ज्यादा लोग होते तो हो सकता है कि बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन मौके पर जो दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची वो तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गई और उसके बाद तमाम जो मसलों पर जो सीनियर अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो पहुंचे हुए हैं। और उसके बाद अभी जो फिलहाल है वहां पर स्थिति जो सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है और दमकल विभाग की चार गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि तमाम जो सिचुएशन है अभी फिलहाल नॉर्मल है, लेकिन ये दिल्ली एयरपोर्ट का जो डोमेस्टिक टर्मिनल है जहां पर ये हादसा हुआ है निश्चित रूप से। और शंकर, जो ये तस्वीरें आप बता रहे थे, जिस बारे में जिक्र कर रहे थे, वो इस वक्त हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे। आप रहिए हमारे साथ एक बार। तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये टर्मिनल वन जो ज़्यादातर डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और देखिए 3 से 4 टैक्सीज इसकी चपेट में आई हैं। लेकिन शंकर, जो यहाँ पर लोग घायल हुए, क्या वो स्टाफ था या नॉन स्टाफ था, कौन लोग थे, या आखिर डिटेल मिल पाई क्या इसके बारे में? देखिए, अभी तक इस मामले की औपचारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन जो दमकल विभाग के द्वारा यानी फायर ब्रिगेड के द्वारा जरूर बताया गया है कि अभी एक और मैं जानकारी देना चाहूंगा, 6 लोगों की जानकारी मिल गई है कि 6 लोग इस पूरे मामले में इंजर्ड हुए हैं। और ये अभी थोड़ी देर पहले ही फायर ब्रिगेड के द्वारा इस मामले पर औपचारिक तौर पर इस मामले को साझा किया गया है कि 6 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं और जिसे कि पास में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके लिए तमाम जो बेहतर सुविधाएं हैं वो यहाँ पे व्यवस्था कराई जा रही है। तो 6 लोगों की जानकारी मिल चुकी है, 6 लोगों को हम ये खबर को इंजर्ड कर सकते इस मामले में बता सकते हैं। शुरुआती तौर पर 3 लोगों की जानकारी मिली थी और एक शख्स के फंसे होने की जानकारी मिली थी, 6 बजे तक वो शख्स फंसा हुआ था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि तमाम लोगों को निकाल लिया गया है जो भी लोग वहां फंसे हुए थे, और कुल 6 लोगों के बारे में जानकारी मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो विजुअल्स भी जो ऐसा मिला है जो बेहद दिल को झकझोर देने वाला है कि मलबा एक कार के ऊपर में गिरा हुआ है और एक शख्स उस कार में फंसा हुआ है। लेकिन जिस तरह का वो विजुअल्स है, वो जिस तरह से हम लोगों के साथ में बातें साझा की गई है और तमाम जानकारियों को अपडेट कराया जा रहा है, तो अभी तक जो जानकारियां अभी हम लोग को अपडेट कराया गया है, 6 लोगों के बारे में बताया गया है। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जहां पर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था उस जगह पर ये मलबा गिरा है और काफी बड़ा मलबा जो सीमेंट बोल्डर और जिस तरह से मलबा गिरा है, लोहे की जो पिलर्स हैं वो भी गिरे हैं,
तो कहा जा सकता है कि ये कैसे हुआ है, कैसे ये हादसा हुआ। बिल्कुल शंकर, निश्चित रूप से ये पूरा जो मामला है काफी गंभीर हो सकता था, हालांकि इस पर जांच भी जरूर बैठाई जाएगी, चूंकि दिल्ली एयरपोर्ट का ये मामला है, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, हालांकि यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स का संचालन होता है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी खासी संख्या में लोग आना जाना उनका लगा रहता है, लोगों की जान को खतरा हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप शंकर आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर डिटेल्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है, जिसमें 14 सीनियर आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, दरअसल उनके तबादले किए गए। हालांकि ये किसी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, ये रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग का हिस्सा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 14 सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आईएएस सुदाम खाड़े आयुक्त जनसंपर्क बने हैं, ग्वालियर रीवा और नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर बदले गए, आईएएस विनोद कुमार को आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का संचालक बनाया गया, जेएन कंसोटिया को महानिदेशक प्रशासन अकादमी की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं रश्मि अरुण शमी को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है, तो वहीं एम सेल्वेंद्रन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के सचिव बनाए गए हैं, तो रघुराज एम आर तकनीकी कौशल शिक्षा विकास विभाग के सचिव बनाए गए, जबकि बाबू सिंह जामोद आयुक्त रीवा संभाग और स्वतंत्र कुमार सिंह आयोग भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास विभाग के जिम्मेदारी संभालेंगे, कृष्ण गोपाल तिवारी को नर्मदापुरम संभाग का आयुक्त बनाया गया, मनोज खत्री को ग्वालियर संभाग का आयुक्त बनाया गया और हरजिंदर सिंह राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक होंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, शैलेंद्र बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है जो कि लोकसभा चुनाव के समय से ही कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, जो कि अब पूरी तरह से प्रभावी है। देखिए, भले ही सरकार इसको एक रूटीन तबादले कहे या सामान्य प्रक्रिया, लेकिन इसके मायने बहुत ही बड़े और गहरे हैं। ये समझना होगा कि मध्य प्रदेश में के जो सबसे दो अहम पद हैं, जिसमें से एक है मुख्य सचिव का, तो मुख्य सचिव जो वीरा राणा है उनको एक्सटेंशन दिया गया था और वो एक्सटेंशन सितंबर में खत्म होना है, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलना है। और ये जो प्रशासनिक जमावट शुरू की गई है, कहीं ना कहीं नए मुख्य सचिव जिन्हें बनाया जाना उनके लिए एक रास्ता खोला गया है। दो सीनियर आईएएस डॉक्टर राजेश राजौरा, क्योंकि निश्चित ही वो सीएस की दौड़ में सबसे आगे हैं, उनके ऊपर दो सीनियर आईएएस जो हैं जेएन कंसोटिया, उनको यहाँ से मंत्रालय से बाहर किया गया, उन्हें प्रशासनिक अकादमी भेजा गया, महानिदेशक बनाया गया, तो निश्चित ही कि ये बड़ा तबादला है, बड़ा बदलाव है। जेएन कंसोटिया सीएस की दौड़ में लंबे समय से थे, उसी तरह विनोद कुमार जिन्हें आदिम जाति का संचालक बनाया गया, विनोद कुमार सीनियर आईएएस 1989 बेच के हैं, तो निश्चित ही विनोद कुमार और जेएन कंसोटिया अगर मंत्रालय से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं नए सीएस का एक रास्ता साफ हुआ है। ये सारी जो भी हर्डल होते हैं कि सीनियर को बाहर करना पड़ता है मंत्रालय से, ताकि कोई अगर जूनियर सीएस बनता है, तो एक ये बड़ा फैसला है, बड़ा कदम है, सबसे बड़ा बदलाव है। इसी तरह बात की जाए तो आयुक्त जनसंपर्क, एक ये बड़ा बदलाव किया गया है, संदीप यादव की जगह अब जो सुदाम खाड़े जिम्मेदारी संभालेंगे जो अभी तक संभाग आयुक्त ग्वालियर थे, तो निश्चित ही एक ये बड़ा बदलाव है। इसी तरह देखा जाए तो तीन संभाग आयुक्त बदले गए हैं, जहां पर रीवा के संभाग को बदला, ग्वालियर संभाग और ये नर्मदापुरम, ये तीनों बड़े जिले संभाग हैं, इनकी जिम्मेदारी नए अफसरों को दी गई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक सर्जरी के पीछे काफी बड़े संकेत है आने वाली प्रशासनिक कसावट, आने वाले विकास के एजेंडे को लेकर। बिल्कुल, इस एजेंडे को साकार करना, इस एजेंडे पर नजर रखना, आप भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, कोरबा से एक अहम खबर आपको बता दें, जहां मकान मालिक और किरायेदार के बीच मारपीट हो गई। आपको बता दें कि स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस लेकर मारने के लिए महिला ने दौड़ लगा दी और चढ़ दौड़ी मारने के लिए। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पीड़ित की शिकायत पर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। सीएसईबी चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब्दुल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, अब्दुल क्या कारण बताया जा रहा है इस मारपीट का, आखिर क्या है डिटेल्स?
जी आपको बता दूं कि ये सीएसटीबी चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां पर शारदा विहार अटल आवास में ये किराए के मकान में महिला रहती थी, और इसको लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद पिछले समय भी हुआ था, और उसके बाद से फिर ये आक्रामक होते हुए उसके दुकान में पहुंचकर पेचकस लेकर उसे दौड़ाने लगी और उसे मारपीट करने की करने लगी, जिसको लेकर पीड़ित ने शिकायत की थी सीएसटीबी चौकी में। पुलिस ने इस मामले में महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस जानकारी के लिए। और खबर राजनांदगांव से, जहां पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार शख्स को जोरदार टक्कर लगी और बाल बाल बाइक सवार शख्स की जान बच गई। नोंगरगढ़ में गैस एजेंसी तिराहा पर यह हादसा हुआ और मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। तो घटना का ये तस्वीरें सामने आ गई हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ। हालांकि उस हादसे में बाइक सवार शख्स की जान बच गई, ये एक राहत की बात कही जा सकती है, और अन्यथा यह हादसा और बड़ा हो सकता था। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, ये कब की दुर्घटना है और अभी क्या स्थिति है, बाइक सवार की क्या डिटेल मिल पा रहे? जी अपने दर्शकों को बता दूं कि बाइक सवार युवक घायल था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उपचार जारी है और युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। और वही ये शहर की एक ऐसा स्पॉट है यहाँ की, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है, उसके बाद भी प्रशासनिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जगह में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और ये स्पॉट ब्लैक स्पॉट के रूप में अब माना जा रहा है। और हालांकि राहत पर बात यह रही कि युवक को चोट आई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है और इस जगह पे आए दिन ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। साथ ही ये सीसीटीवी फुटेज से देखने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक्सीडेंट कितना भयानक था। स्वाभाविक है। और ये राकेश, निश्चित रूप से इस दुर्घटना के बाद राहत की बात यह रही कि इस शख्स को ज्यादा चोट नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।